महाराज के अवतार पुरख दुशियां को माणद हो अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना में हाजरियां पर रहे सतगुरु रूप गुरु खालसा सात संगत जी सब तो पहलो श्री गुरु रामदास जी महाराज के अवतार गुरपुरख दारी संगत बहुत बहुत बधाइया जी। गुरु साहब जी कृपा कर सबनों खुशियां बख्शिश कर और गुरु बख्शी फतेह बुलाओ सब आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु नानक के घर में रोज़ बधाइया ने महाराज का बोल है गुरु के सिख सरवण करते हैं कि आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। फिर रोज़ ये वचन लगभग पढ़िया जाता है गुरसिखा मन बधाइया जिनी मेरा सतगुर डिठा आता जिन्ह ने आण के डिठा जिन्हें दर्शन किया उन्होंने रोज़ बधाइया मिलती ने रोज़ उन्होंने मूँह मिठे कराए जाते हैं कड़ा प्रसाद उन्होंने हाथ से रखा जाता है। सतगुर कृपा कर ये रौनक ये बरकत इदा ही लगिया रहन। हमने भाई बलविंदर सिंह जी आप जी को सरवण करा रहे सन अज असी उस सतगुरां की उपमा कले असी नहीं संसार के कोने कोने ते उस गुरु साहब जी को धन धन आख्या जा रहा है। जे सतगुर सिमरन नैन के तिमर मिटा खिन एक थोड़ा समा भी कोई उस गुरु नू धन धन कवे गुरु नू याद करे उन्हूं चेते करद्या सारी अखां की मैल दूर हो जाती है। अखां का जिहड़ा हनेरा है अखां की जिहड़ी अग्ञानता है वो खत्म हो जाती गुरु रामदास जी का नाम लेंदे हैं। जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटा खिन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन एडी बरकतमई एडा बरकतों का भरिया होया नाम है। धन श्री गुरु रामदास महाराज उन्होंने याद करद्या रोज़ नाम जपण वास्ते हिरदे विच चा वधदा जाएगा मन दे विच इच्छा होर जागदी जाएगी नवे तो नवा रंग लगता जाएगा और इदां दा रंग लगेगा कि मैला कदी ना हो गई न लागे दागा कदी भी मैला नहीं होएगा रंग चमकदा ही जाएगा। चमकण दा भाव कि आत्मक आनंद जिहड़ा वह रोज़ दे रोज़ दून सवाया हुंदा जाएगा कदों जो सिख आखेगा धन श्री गुरु रामदास जी महाराज। जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन फिर जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह तेरा नाम लेंद्या सारी जिहड़ी मन की कल्पना है जिहड़ी हिरदे की सड़ां दिया वह मुक जाती है अंदर ठंड पै जाती है आवण जाण रहे हो तपत कड़ाहा बुझ गया गुरसीतल नाम दई हो। गुरु साहब जी अपने घरों नाम का किणका देंदे ने यह जड़ा मन वकारा विच तपता रहिंदा एवें गलत मलत फुरनियां दे विच एवें घर दे कला कलेशां दे विच पिया परेशानियां दा बोझ इन्हें सिर दे उत्ते चुकिया हुंदा वह परेशान होया बंदा आह कम किदां होगा आह कम किदां होगा भट कहिंदा गुरु रामदास जी की जिंदगी वल ध्यान मारो। एक बारी गुरु रामदास जी के बचपन तो लैके तो गुरता गदी के बैठण तक के जीवन की झाती मार लो जिहड़ा बंदा परेशानियों में झंबिया ना भी हाए मैं मर गया हाए मैं मर गया आह किदां हो गुरु रामदास जी का दर्शन करद्या सारी उन्हूं ठंड पै जूगी कि वो हम रोते फिरते कोई बात ना पूछता तो लैके तो पातशाही तक किवें पहुँच गए सी उस वेले पता लग जूगा कि गुरु तो बगैर कोई इन्हां परेशानियां जिंदगी विचों बाहर नहीं कढ सकता तो वह फिर उस वेले आखेगा धन श्री गुरु रामदास महाराज। जे सतगुर सिमरंत जिस सतगुर नूं चेते कीतिआं अंदर दियां परेशानियां मुक जांदियां जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन जिह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन जिह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जिह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नवनिध पावै। गुरु उस गुरु नू धन धन कहो जिहदा नां लैंदिआं जिहदी बंदगी कीतिआं रिद्धियां सिद्धियां नौ खजाने प्राप्त हो जांदे। नौ खजाने का भाव आ
गुरु रामदास जी नूं याद करदे आ सार माया दे ढेर नहीं अगले पासे लग जांदे, क्योंकि महाराज कहिंदे ने तू संगत विच आ, ये जरूरी नहीं भी तू संगत विच आएगा तो मैं तेनूं पैसे देंगा, नहीं ये जरूरी है कि तू संगत में आएगा तो मैं तेनों सुख देंगा, क्योंकि पैसे नाल सुख नहीं, महाराज कहिंदे आ पैसे नहीं देंगा सुख देवांगा। तां ही ते बड़े बड़े सिदकी सिख सारी जिंदगी महाराज के चरणों का प्यार माणिया, सारी जिंदगी उन्होंने सिदक माणिया हंडाया, गुरु साहब जी के कोलो माया नहीं मंगी, सगो उन्होंने ये मंगया राज ना चाहूँ मुक्त ना चाहूँ मन प्रीत चरण कमला रे, महाराज ये कृपा करो सदा आपका दर्शन हुंदा रहे, संगत का दर्शन हुंदा रहे, और जो संगत विच तुसी बरकत रखिया होईयां उहदे विचों किते कृपा करके मेरी झोली विच भी किणका पा दिओ, वह एक किणका ही नहीं सांभिया जाणा जिहनूं गुरु साहब जी ने दे दित्ता। आ दुनिया की माया एक बंदे नूं इकट्ठी करके दे दिओ, वह बंदा फिर नहीं रजदा। आ थोड़े दिन होए ने एक गुरसिख मैनूं विदेशों आया मिलिया सी, ग्रीस विचों, आ पुर्तगाल दे लागे ग्रीस देश उतों आया, उन्हें मैं दसिया इदा ही गल चल रही सी कोई माया की, और मैं कहिंदा जी मैं दुनिया के उस बंदे का घर वेख के आया जिन्हें 27 साल की उम्र में अद्धी दुनिया के उत्ते जित प्राप्त कर ली सी, राजा सिकंदर जिहड़ा इतों फिर मुड़ गया सी वापस, जदों उहदी मां ने सुना कराया सी वो कादे वास्ते तुरिया सी घरों, योधा सी सूरमा सी पर पैसे की इच्छा सी, कोल उन्हां देशों के कोल पैसे नहीं सी, पैसे तो इन्हां देशों में ही सी, उन्हें आख्या नाल दे देश नूं जित लैना फिर आराम ना बह जांगे सुख लवांगे माया बड़ी हो जाणी, नाल दे देश नूं जित लिया तो ताकत वध गई, तो उन्हें आख्या भी इन्नी ताकत वध गई है तो हुण अगले नूं भी क्यों ना जित ही लवां, उत्थों की सारी माया शिप विच लद के ते अपने देश घर नूं भेज दित्ती ते आप अगले देश नूं जितण वास्ते तुर पिया, वह भी जित लिया, अगला जित लिया उस देश की माया कट्ठी करके जहाजां च लद के ते अपने देश नूं भेज दित्ती ते उत्थों दी भी फौज अपने अधीन करके ते आंदा भी हुण ते ताकत ही बड़ी वध गई है, हुण 2-4 देश होर जित लैने आ अगे तो अगे अगे, और जिवें भाई गुरदास जी कहिंदे ना बलदी अंदर तेल ज्यों, जिवें अग बलदी होवे उहदे उत्ते होर तेल पाओ ते आखो अग बुझाउणी आ, बुझणी नहीं उह अग होर मचणी आ। भाई गुरदास जी कहिंदे ने माया की वाशना पूरी करदा करदा बंदा मर जाएगा पर बंदा कदी सुख नहीं लएगा, बंदा कदी रजेगा नहीं। उह सिकंदर 27 साल की उम्र में जिन्ने दुनिया के देश ने अद्धे उन्हें जित ले सी, इन्नी माया कट्ठी करन वाला बंदा भी जदों वापस मुड़िया राह विच ही मर गया सी, तो कहिंदा मैं उहदा किला वेख के आया, एक उच्ची पहाड़ी दे उत्ते किला वा बड़ा तगड़ा, तो जिड़िया जिड़िया किले दियां उच्चिया कंधा ने ओडी ओडी उच्ची उन्हां कंधा दे उत्ते भंग चढ़ी हुई है, वेलां चढ़िया कोई बंदा लभिया नहीं, लभदा उन्हां दे घर कोई भी नहीं लभदा, अराण उजड़ गया सब कुछ ही, उत्थे कुछ भी नहीं हैगा। जिहनूं गुरु साहिब जी कहिंदे ने ना 1 लख पूत 1.25 लख नाती ते रावण घर दिया ना बाटी, 2.25 लख जी का पुत पोतरा अपना घर का सी, जदों समा आया तो उन्हें रावण के घर में कोई भी नहीं लभदा। उत्थे मारे कहिंदे ने ये चीज़ां दे सदीवी नहीं रहन वालियां, मैं तैनूं ओ दात देंगा जिहड़ी सदा तेरे कोल रहेगी, और तू एक बंदा धरती तो जप के चलिया गया, जिन्हां घरां दे विच एक गुरमुख कोई पैदा हो जाए, उस गुरमुख ने जिस घर में बह के बड़ी बाणी पढ़ी, जिस गुरमुख ने अमृत वेले तो लगा होया, वो कला उहदे हिरदे ते नाम बाणी का असर नहीं हुंदा। मारे कहिंदे सी जिहड़े थां ते बह के बाणी पढ़ी जाती नाम जपया जाता धरती भी पवित्र हो जाती। जदों गुरु नानक देव जी महाराज ने यह बचन आरंभ किया सी ते मरदाने ने पुछया सी महाराज जी जिहड़े बाणी पढ़ते आ जे बाणी पढ़न वाले का मन विच ना होवे ते फिर, ते महाराज आख्या मरदानिया बाणी ने अपना असर खाली नहीं जान देना, जे पढ़न वाले का मन ना विच होया जिहड़े लागे सुनदे ने जे उन्हां ध्यान नाल सुन लिया ते उन्हां दे मन हरे हो जाणगे, ते महाराज जे सुनन वाले भी नहीं ध्यान नाल सुनिया किसे ने ते फिर, ते महाराज कहिंदे ने ना पढ़न वाले का मन लगा ना सुनन वाले का मन लगा, बाणी का असर फिर भी खाली नहीं जाना, जिथे बह के बाणी पढ़ी जाएगी वह धरती पवित्र हो जाएगी।
असर नहीं किते भी जाना भी इहदा किते असर नहीं होएगा। इस असर ने अपना असर कबूलना ही कबूलना। ता ही महाराज ने यह वचन कर दिता सी, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। जां ये गल आखी भी जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, वो सेवेह समरथ अपना बिनसे सब मंदा। जिन्ना मंदा पानिया वो सारा खत्म हो जाता जो साध संगत बह के जपदी है जी सतनाम श्री वाह। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे परथाए पट कहिंदे ने, गुरु रामदास जी नूं धन धन कहो, महाराज तुहानूं सुख देणगे, उह सुख देणगे। जिहड़े रिधियां सिद्धियां प्राप्त करके भी लोकां नूं सुख नहीं ना बणिया, उह सुख तों उतला दर्जा है गुरमुखताई वाला, जिहनूं महाराज गुरमुख बणाउणगे। क्योंकि गुरु साहब की बाणी दे बोल ने, जिहदे कोल बहुती माया वा मारे कहिंदे उह वी परेशानियां दे विच, जिहदे कोल थोड़ी आ वो उदा भटकता फिरता भी हाए माया हाए माया, होर माया चाहिए है। सारिया गल्लां स्पष्ट लिखिया हुई। महाराज जी फिर सौखा कहड़ा, महाराज कहते दोहों विवस्था ते जो नर मुकता सोई सुहेला भालिया। जेड़ा आई माया ते हंकार नहीं करता ते हथों गई ते रोंदा नहीं, जेड़ा एक रस टिकया होया वो दुनिया में सौखा, जे बाकी कोई भी नहीं जे सौखा। जिन्ना मर्जी किसी नूं दे दिओ, बहुती माया कट्ठी करन वाला भी सौखा नहीं, ते जिहदे घर थोड़ी आ बंदा वह भी सौखा नहीं, जे वह भी परेशान आ भी पैसे तो बिना घर गुजारा नहीं चलता। कबीर साहब जी ने आख्या ना, ग्रह सोभा जां कह रे नाहीं, आव तपहिया खुदे जाहीं। कबीर साहब कहिंदे ने जिहड़ी माया ये घर का शिंगार आ, जे घर विच ना आवे ते कोई भैन भरा घर में आवे ते आए नू कोई प्रशादा भी ना छका सके ते वह गृहस्थी भी कादा होया। ग्रह सोभा जां कह रहे ना ही, ये घर की सोभा वा घर का शिंगार आ, ये सारयां दे कोल होनी चाहीदी है। पर इहदे मगर भी कोई जे लग के उठ पवे ते कबीर साहब जी कहिंदे ने सुख तां वी नहीं, सुख कादे विच आ। गुरु की बाणी दे बोल ने, सुख नाही रे हर भगत बिना, 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 सुख नाही रे हर भगत बिना। जेड़े नाम जप रहे ने, मन कर छो है कोई, जेड़े नाम जप रहे ने उन्हां नूं ही असली सुखी दा दर्जा गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब विच दिता कि नानक भगतां सदा विगास सुणै दुख पाप का नास। जिन्हां अपने कन्नां नाल गुरु परमेसर की सिफत सुनी, जिन्हां अपनी जबान दे नाल गुरु जी की सिफत कीती, ओही बंदे दुनिया के सुखी ने, बाकी कोई सुखी नहीं हैगा। और सदा सुख यही है, बंदगी दे विचों आनंद आवे ते भटकदा होया मन टिक जावे। जिहदा भटकदा होया मन टिक गया वह बंदा बादशाह वा, जिहदा मन अजे भी नहीं टिकया वह जिन्नी मर्जी कमाई करे वह दुखी का दुखी रहेगा। महाराज कहिंदे ने गुरु रामदास जी की सिफत करो, भटकदा होया मन एक थां खलो जाएगा, और अंदर खलोता होया मन जिहड़ा है फिर उहनूं जिहड़ी आनंद ते प्रसन्नता की प्राप्ति हुई उतों फिर बंदा सीधा निरंकार का मिलाप हो जाएगा। ऐसे गुरु रामदास सच्चे पातशाह जिन्हां दे पुरब मना रहे हो उन्हां दे परथाए गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच इक बोल आ, आओ आरंभ करिए। महाराज कहिंदे ने कि छुटत प्रवाह अम्य अमरापद। छुटत प्रवाह का भाव हुंदा भी जिवें पहाड़ां दे विचों एक पानी का चश्मा निकलिया, पत्थर पाड़ के ते विचों वह चश्मा निकलिया। तो फिर महाराज कहिंदे ने छुटत प्रवाह अम्य अमरापद, अमृत सरोवर सद भरिया। गुरु एक अमृत का सरोवर है, और गुरु अमृत का सरोवर इदां दा भी बाहर दे पानी दे भरे हुए तला सरोवर उन्हां चों अमृत पानी घट जाता है, समय समय ना पाउणा पैंदा। पर गुरु एक अमृत का इदां दा सरोवर नकानक भरिया होया, सारी सृष्टि आके इथों अमृत पीवे ते फिर भी इथों एक बूंद भी अमृत की घटनी नहीं, वह इदां ही भरिया रहेगा। तो महाराज जी इस अमृत सरोवर विचों अमृत पीता कौन आ? गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने, तिह पीवे संत करे मन मज्जन,
ਪੁੱਬ ਜਿਨਹੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਮਹਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਪੀਵੇਂ ਸੰਤ ਕਰੇ ਮਨ ਮੱਜਨ ਪੁੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਈ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਉ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਰਾਤ ਰਹੋ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਸਿੱਖ ਰਾਤ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਆ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪੈਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੋਢੀ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਭ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਆ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਕੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੋ ਜਨਮ ਭਇਓ ਤਾਂ ਸਗਲ ਸਿੱਧ ਮਾਨੀਐ ਬਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਹੋਏ
सारे वो जन्म लेंगे दूजे बच्चों पर भी असर पै गया। क्यों? क्योंकि एक बड़ी बंदगी वाली रूह धरती से जन्म लैके आ गई है। और यह भी लिखा हुआ विद्वाना ने जो हरनाक्ष वर्गिया का जन्म होया सी उदो एकदम इन्नी हनेरी वगी सी कि उस हनेरी तूफान विचों रुखां तो पंछियां दे आलणे पटक पटक के डिगे तो पता नहीं किन्ने कि जी मर गए सी। क्यों? क्योंकि एक बड़ी क्रूर आत्मा धरती से जन्म लैके आ गई। जिदा जिदा की आत्मा जिदा जिदा जे जी धरती से आते हैं धरती असर कबूल भी है और जिया के वातावरण से उन्हों का असर जरूर पैंदा। अज अमृत का चश्मा फुटिया है बाबा हरिदास जी के घर माता दया कौर जी के घर तो गोइंदवाल साहब गुरु अमरदास जी ने कहता हुण तुहानू कोई फिक्र नहीं हुण वह कला आप ही नहीं पीवेगा। जो गुरु अर्जन देव जी महाराज के बोल ने गुरमुख की करते हैं औखद नाम अपार अमोलक पी जई मिल मिल खावे संत सगल कौ दी जई। वह गुरमुख आप नाम की दवाई खाते हैं तो होर उन्हां दी संगत विच जिहड़े जिहड़े बहणगे उन्हां विचों नाम की दवाई वंड के खाते हैं। जदों संगत विचों होका आउंदा है भई वाहे गुरु 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 जिस माता दया कौर जी का लाल ओदी गोद विच बड़ा सोहना सुनखा सुंदर जी की सुंदरता श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के विच दर्ज हुई है भी गुरु रामदास जी दियां अखां किदां दियां सी गुरु रामदास जी के नेत्र किदां दे सी उन्हां दा मन किदां दा सी उन्हां दा तन किदां दा सी सब सुंदरता बाणी दे विच दर्ज है आसा राग दे विच। वो बच्चा माँ की गोद विच बड़ा सुख नाल समा बतीत कर रहा और इदां दा सुख जिहड़ा भट्टा ने आख्या है कि कमल नैन मदर बैन कोट सैन संघ सोभ कहत मांज सोध जिसे दही भात खाहे जी। वाह गुरु रामदास जी कदी ते तेरा बचपन इदां दा लंघिया भी तेरी माता तेरे वास्ते इनिया इनिया वधिया चीज़ां बना के तेरे मगर मगर लई फिरदी है ते तू ध्यान नहीं करता क्योंकि माँ पालना करन वाली बैठी है ते तेरे कोल खाण वास्ते इन्ना कुछ आ भी तू इंज ध्यान नहीं करता जिदा माता जशोदा कृष्ण महाराज के पिछे दही भात लैके पिछे पिछे फिरदी है। दही दे विच मक्खण चौल ते मिश्री ये चार चीज़ां मिलाइया जाण ते उस इलाके की यह वधिया डिश है जिन्हों कहिंदे ने दही भात। माता जशोदा मगर मगर लई फिरदी है ते वह मूँह नहीं करते क्योंकि घर विच बड़ा कुछ है। इत्थे भी व्यापारियों के घर विच जन्म होया है क्योंकि बाबा हरदास जी चूना मंडी का मतलब चूने का मतलब होंदा जिथे हीरियां दियां कणियां का व्यापार होंदा होवे छोटे हीरियां का व्यापार ये व्यापारी लोग ने सारे खत्री लाहौर दे सोटी और व्यापारियों के घर गुरु रामदास जी के जन्म होया तो इन्ना कुछ खाण ते कदी ध्यान नहीं करता ते कदी फिर दूजा समा बचपन के बीच ही बीत गया भी काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै इस बम ग्यान ध्यान तरत ही है चाहे जियो। वो जिहड़ी अकाल पुरख के हथ विच है ना मौत की कलम ओदे वाए हुए अखरां नूं को मेट नहीं सकता ओदे अखर जदों सामने आए जिहड़ी तैनूं रात दिन चुकी फिरदी सी सब तो पहलों तेरी माँ ही रब ने तेरे हथों खोली। जदों माँ चढ़ाई कर गई तो अद्यों बहुता लाड प्यार तो उदन ही खत्म हो गया तो खत्म होया तो हुण एक दिन बाबा हरदास जी कहिंदे आ भई पुत जेठिया तू उठदा नहीं टाइम नाल ते मैं भी दुकान खोलनी हुंदी जाके ते मैं सारे घर का काम करके तैनू भी नवाल के कपड़े पा के सब को खवा प्याल के ते फिर मैं जाना ते तू उठन विच लेट हो जाना जे थोड़ा पहलू उठ पिया करें ते मैं टाइम नाल दुकान खोला मेरे नाल दे ते दुकाना खोल लैंदे ने पहलू जाके ते मैं तेरे करके नहीं दुकान ते टाइम नाल जा सकदा कि तेरी माँ नहीं हैगी मगर तैनू ठालूगा कौन तैनू खवाऊगा कौन। वो गल बड़ी गहरा असर की उस बच्चे दे अंदर ते रात नू सलाह कर ली मैं ध्यान रखना वा पूरा नहीं सौना पिता जी दे उठण तो पहलों उठना ते माड़ा मोटा को काम करके ते अज सवेरे अपने पिता दे कोलों शाबाश लैनी है भी ठीक है तू भी काम सवारिया वा कोई ते फिर की कीता रब सवबी
सुबह से अख खुल गई नहीं तो बच्चों की अख कितने खुलती है। वो अख खुली उठ के वेख्या भी मैं करा की, क्योंकि पहलो माँ काम करती रही फिर पिता कहते निके निके बच्चों को की पता भी की करना। बस इन्ना वेख्या थोड़े जे भांडे इधर उधर पे सी, वो भांडे चुक एक पासे रख के धो दते, झाड़ू सामने पिया होया सी, वो कमरे ते जो झाड़ू कढ के ते बाहर वेहड़े विच जो झाड़ू फेरदा फेरदा निके जे हथां नाल आया ते बाप की अख खुल गई भी झाड़ू कौन फेरदा भी इस वेले नेरे ही। ते फिर बाबा हरदास जी उठे, बाबा हरदास जी उठ के कहिंदे आ भी तू क्यों इस वेले उठिया। वो आंदे आ पिता जी तुसी काम तो कहते लेट ना हो जाओ, मैं इस करके सुबह ते उठना शुरू कर दिता। बड़ी खुशी है घर में, ठीक है भाई इको बारी बच्चे नूं कहा सी इन्हें उठना शुरू कर दिता, पर वो कोई बहुता लम्मा काम नहीं सी। वो किसी नूं भी नहीं पता भी वो केवल एक दिन की सारी खेड़ सी, कल नूं ते खेड़ विगड़ जानी आ। रात नूं प्रसाद पानी छक के प्यो पुत सुते, जेठे ने फिर अमृत वेले उठिया, जिहड़ा निका निका काम सी करन वाला करके बाप दे पैरां वल खलो के आवाज मारी भी अज मैं कल नालों भी बहुता काम कीता जे, उठ के वेखो ते एक वारी मैनूं फिर शाबाशे दिओ। पर बाप दी आवाज ही नहीं आई, फिर मंजी तो हिलाया, फिर मूँह तो खेस लाया, ते उदों पता लगा जदों हिलाउण दे बावजूद भी यह पता लग गया भाई जेठे नूं भी मेरा बाप भी मेरी माता कोल सदा वास्ते चलिया गया। उस फिर अजे ते सूरज भी नहीं चढ़िया ते उस मासूम बच्चे की चीक जदों निकली लाहौर दियां गलियां विच दूर दूर तक आवाज गई, सब दौड़ के आए, महाराज दे चाचे ताए आंढी गुआंढी की होया तो बच्चे को दस्या नहीं जाता। लोग अपने आर पार विच लग गए, लियाओ भी बालण लियाओ, आओ करो जे करो। हुण निके जे बच्चे नूं समझ नहीं लगती भी माँ नहीं सी ते प्यो ही मेरा सब कुछ सी, हुण प्यो भी नहीं रहा ते हुण मैं जाणा किधर नूं आ। नानी भी आई, सारे कट्ठे होए आ, ते जदों फिर संस्कार हो गया ते फैसला होण लगा भी हुण इस जेठे दा की बनेगा, उदों फिर मूँह बदल जांदे आ, उदों झटपट ही लोकां दी विचार बदल जांदी आ। क्योंकि महाराज कहिंदे ने ये जिन्ने भी तेरे नाल दोस्त मित्र बने हुए ने ना, ये उन्ना चिर ने जिन्ना चिर तेरी जेब विच पैसे ने। जिद्दण तेरे पैसे मुक गए, जित दिन उनका सुभाव होए ना आवई, तित दिन बोलण गंध। मारे कहिंदे ने इन्हां दी गंध इन्हां दा तेरे नाल जोड़ उन्ना चिर आ जिन्ना चिर तेरे कोल खवालण वास्ते हैगा। जिद्दण तू किसे दी लोड़ ना कीती, जिद्दण इन्हां नूं ना खवालेगा, जिहड़े मूहां तों तेरियां सिफतां करदे उन्हां मूहां दे नाल तैनूं गंदमंद बोलणगे। बाणी विच इंज ही स्पष्ट लिखिया होया। उही गल होई जिन्ना चिर बाबा दया सिंह हरदास जी जिउंदे सी उह सारिआं भरावां दा साथ दिंदे सी ते सारे जेठे नूं अपने मोढ़िआं ते चुकी फिरदे सी। उही पुत, उही भतीजा ते उही चाचे ताए। संस्कार करन तों बाद नानी जी कोई विचार नहीं भी मैं अपने दोहते नूं लै जां जां मेरी धी दे घर नूं जिंदा वज्जा रहे। वह चाहुंदी सी मैं आउंदी जांदी रहां अपनी धी दे घर, पर जदों उन्हां चाचियां ताइयां ने आखिया इहो जिहा पुत दुनिया ते किते पैदा नहीं होना चाहीदा जिहड़ा जम्मदे ही अपने माँ प्यो नूं लै के बहि जाए। जदों इहो जिहियां गल्लां कन्नां च पईआं ते नानी नूं पता लग गिआ ये गल्लां मैनूं सुणाउंदे आ भी ये सानू इहनूं सामना ना पवे। उदों ही फिर दरवाजा बंद कर दिता ते अपने दोहते नूं नाल लै के ते नगर बासर के आ गए। बासर के पिंड विच आ के फिर उहे काम चलिया, क्योंकि नानी दे घर विच भी गरीबी सी, कोई है नहीं सी उत्थे भी कमाउण वाला, घुगणियां वेच के रोटी पाणी दा काम उत्थे शुरू कर दिता। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहिंदे ने इक्को टाइम एक बच्चे नूं कई कुछ वेखण नूं मिलिया, कदी राज भाग वर्गे सुख जिवें यशोदा कृष्ण दे मगर लई फिरदी सी पदार्थ, उहदी भी माँ लई फिरदी सी जे इहदी माँ जींदी हुंदी जां उहदा प्यो जींदा हुंदा, ते इहनूं गलियां विच ना रोलना पैंदा। ओह भट्टा ने तां आखिया है आ जिहड़े लोक परेशानियां सिर ते चुकी फिरदे आ ना भी इह मेरियां दुख मेरे किद्दां लथण, परेशानियां किद्दां लथण, जे इन्हां परेशानियां तो हौले होना तो यह गुरु रामदास जी नूं चेते करन जिदा उन्हें अपने दुख लाए आ। जे बंदा उस पैंतड़े ते तुरे तो हुणे सौखा हो सकता। जदों फिर घुंगणियां वेचदिआं वेचदिआं वह समा आया जदों बोड़ थले कोई गुरमुखा ने सारियां घुंगणियां छक लिया ते पैसा कोई दिता ना, घर जाके थाली छापड़ी रखी ते नानी ने आख्या भी पैसे आख्या माँ वो तो गुरमुख प्यारे आए सी
ਉਹ ਸ਼ਕੀ ਗਏ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਈ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਚੂੜਕਾਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਫਿਰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋਕਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਨਾਨੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਮੱਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਦੋਹਰੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਈ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵਾ ਵੀ ਰੱਬਾ ਜਿਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜੇਬ ਕਿਉਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਦੇ ਅਤੇ ਦੋਈ ਦੋਈ ਹੱਥੀ ਇਹ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਵੱਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਸੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਵੱਡਾ ਨਿੱਕਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਵਾ ਬਈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਸ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨਾਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਹਤੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾ ਮੁੱਕੂਗਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਨਾਨੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਭੇ ਜੀਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਾਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸਿਖਾਲ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਰੀਬ ਬੜੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਨੰਗੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਲ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਿਆ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਇਨ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸ਼ੁਦਾ ਤ੍ਰਿਹਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਝੰਬੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਿਆ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਫਿਰਨਗੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਲ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਾ ਉਹ ਅਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਵਾਂ ਵੀਰ ਆਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਈਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਲੂਣ ਮਾਂਝਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਗਲੇ ਸੀ
जिन्हां दीआं उंगलां गलियां सी। एक वारी गुरु साहब जी ने आख्या भी जिहड़ा इत्थे इशनान करेगा जिहड़ा दवाई नाल भी ठीक ना होगा वह इको इशनान नाल ठीक होगा। तो अज तक हो रहा वह गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कई सौ साल पहलों किया होया बोल, हुण दुनिया इत्थों आ आ के तुरी जाऊगी पर गुरु अर्जन देव जी दे बोल की बरकत इत्थे ही रहेगी, वह कभी घट नहीं सकती। साहब गरीबनवाज गुरु अमरदास जी दे अगे करके आख्या सच्चे पातशाह महाराज आख्या तुसी किवें आए हो। नानी ने आख्या गरीबनवाज जी जिद्दण तुहानू गुरतागति मिलनी सी, कहिंदे गुरु अंगद देव जी ने बारह महान वर दित्ते सी भी अमरदास ने माणिया का माण, अमरदास ने ताणिया का ताण, अमरदास ने थाव्या का थाम, अमरदास ने ओटिया की ओट। ते गरीबनवाज जी तुहानू न थाव्या का थाम कहिंदे आ पर मेरे दोते का तो थां ही कोई नहीं, माँ प्यो मर गए ने, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं, तो यह रहूगा कितने रोटी पानी कितों खाऊगा। तेनू न ताणिया का ताण कहिंदे आ भी जिहदा कोई आसरा नहीं उहदा तू आसरा वा सच्चे पातशाह, पर मेरे दोते का कोई आसरा नहीं, मैं इस करके तुहाडे कोल लिया हुई हाँ। उहदा झग्गा फड़ के ना मैला जिहा दोते अपने का हिला के तो नानी कहिंदी आ इहदे सूट वल वेखो। तो महाराज चंगी तरह वेख के गुरु की करता है, गुरु ग्रंथ साहब जी कहिंदे ने पूरा गुर अखयो जांका मंत्र अमृत दृष्ट पेखा होए संत, जिहड़े रोलदे फुलदे ने एक वारी गुरु दया करके मेहर की नज़र पा दे तो रोलद्या फुलद्या संत बना सकता, रोलद्या फुलद्या उच्ची पदवी ते बिठा सकदे। उहदे वल वेख के हसे गरीबनवाज जी कहिंदे आ बिलकुल फिक्र ना करो, बिलकुल फिक्र ना करो, ये थां की कहदी गल करदे हो, सब तो वड्डा थां तुहाडे दोते दा ही होणा, सब तो वड्डी रसोई तेरे दोते दी होगी। और इहदा झग्गा खिच खिच के ना विखा लो, समय समय की गल हुंदी आ, कदी इहने सूट एडा महंगा पाउणा भी इहदे वर्गा सूट कोई पा ही नहीं सकेगा, जिहड़ा एक वारी पा लूगा दूजे दिन इहनू पाउण दी लोड़ ही नहीं पैणी। अज भी मैं सवेरे बेनती करदा सां जिन्हां नूं नहीं समझ, वो सानू कहिंदे एवें लखां रुपईआं दे फिर माले लाई जांदे आ, वो उत्थे की काम, वो बूहे दे अगे खलो के भखारियां ने अरदासां कर करके जहाज पा ले आ, लोगों के देशों विदेशों में बिजनेस खोल ले आ, उहदे बूहे अगे अरदासां कर करके ते कहिंदे ने उहनू एडा वधिया रमाला की करना। अजे ते रहिंदी दुनिया तक सिख अपनी श्रद्धा होर वधाई जाणगे, कदी समा आएगा इन्हां रमालियां च नोवियां नूं अज थोड़ा थोड़ा कपड़ा दिखदा वा कढ़ाई थले, कदी ये कपड़ा भी नहीं दिसेगा ते इहदे उत्ते हीरे हीरे जड़े होणगे, तां वी गुरु रामदास जी दा देण इह सिख कदी दे नहीं सकदा। साहब गरीबनवाज गुरु अमरदास जी कहिंदे ने फिकर ना करो बिलकुल भी, जदों मेहर की नज़र पाई ते तरीका की है गुरु साहब जी का बख्शिशां करन दा, बांह फड़ के कहिंदे पुत तेरा नां की है, महाराज जी जेठा, महाराज कहिंदे ठीक आ तेरा नां जेठा ही होना चाहिए सी क्योंकि जेठे का अर्थ है वड्डा। महाराज कहिंदे तैनू अपने मन में विचार कर लिया भी तैनू सब तो वड्डा बनाउणा वा, तेरा नां जेठा ही होना चाहिए सी, जिवें कबीर का अर्थ आ सब तो वड्डा, जेठे का अर्थ आ सब तो वड्डा। महाराज कहिंदे ने जेठिया फिर सेवा करेगा जी, महाराज जी करांगा, केड़ी सेवा करांगा, महाराज जी जो तुसी कहोगे, ये सेवक की परिभाषा है, जैसी आग्या कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोड़ियो। बहुते सिख नाराज हुंदे आ, असी उत्थे गए सानू माइक नहीं फड़ाया, सानू अगे नहीं बिठाया, सानू स्टेज ते नहीं बिठाया, ये को सेवा वा? सेवा ते जिन्ना करनी आ वह बहुत सेवा आले दुआले खिलरी हुई आ किते भी बह के, क्योंकि जे ते लोकां नूं विखाउणी आ ते फिर ते गरीबनवाज जी कहिंदे ओह पखंड वा, ते उहनूं मारे कहिंदे कर्म धर्म पाखंड जो दिसा तिन जम जा गाती लुट, इहदे पल्ले कख वी नहीं रहिणा। ते जे गुरु नूं खुश करना है ते गुरु नूं खुश करन वाली सेवा गुरु अमरदास जी कहिंदे ने हस्ती सिर ज्यों अंकस है अहरण ज्यों सिर दे मन तन आगै रख कै उभी सेव करै इउं गुरमुख आप नवारीऐ सब राज सृष्ट का ले। जे सृष्टि का राजा बनना है दुनिया तो सब तो सौखा बंदा बनना ते गुरु नू सिर दे के सेवा कर। गुरु नू सिर देण दा मतलब आ अपनी मत त्याग देनी ते गुरु की मत लै लैनी। महाराज कहिंदे चल फिर पुत, महाराज कहिंदे ने भाई बल्लू जी ओही जो सानू परना मिलदा हुंदा सी ना सवा दो मीटर दा गुरु अंगद देव जी दे घरों
जो गुरु अमरदास जी सेवा में गागर फड़ी तो गुरु अंगद देव जी ने परख वास्ते पूछा सी तुसी आए हो भरा जी तुसी कुड़म जे मुंडे वाले जे जे सेवा करनी भी आ रात नूं जिथे आराम करना अपनी सुख सहूलत बारे दस दिओ भी की चाहीदा। ते बाबे अमरदास जी ने आख्या सी सच्चे पातशाह तेरे चरणां च थां चाहीदा को मंजे बिस्तरे नहीं चाहीदे मंजे बिस्तरियां ते सौ सौ के 60-62 साल बतीत करते आ पले कख भी नहीं पिया। फिर महाराज ने आख्या सी भाई जीवा गुरु अंगद देव जी महाराज का मुख सेवादार सी खंडूर साहब महाराज ने आख्या लगे जीवा इन्हां नूं अज 2.25 मीटर का एक परना दे दे सिर ते मड़ासा कर लैण ते 6 महीनियां बाद इहनूं दूजा देना। अज की हुंदा 12 सालां दे विच 24 सरोपे मिले बाबे अमरदास जी नूं ते उहनां सरोपिआं दे नाल सरोपे की कदर जे किसी ने वेखणी आ तो बाबे अमरदास नूं पुछे जिहदी गागरां ढो ढो के ते उह विचकारों सिर पोला पै गया सी उहनां नूं मिलदा सी 6 महीनियां बाद एक परना जिहड़ा गागर दे नाल घस जांदा सी जो फिर उन्होंने दिता जाता सी खुश हो के कोई बंदा मत्था टेकन आया गुरुद्वारे तो उन्होंने सरोपा ना दो नाराज हो गए जेडे मुखी मुखी लोग ने करके की आए मैं अज भी पता मैं कल परसों जो विचार कर रहा सी कोई आया सी दिल्ली का बहुत वड्डा निशहरे मत्था टेकन जो गुरु ग्रंथ साहब जी ने मत्था टेक लिया तो उस तो बाद महापुरखों के कोल उन्होंने बैठक के आया तो किसी ने पूछा पीरां नूं सरोपा देना वा उन्हें कहा नहीं अहीं तां कदी किसे नूं सरोपा नहीं दिता सरोपा देण दा थां वा श्री अकाल तख्त साहिब उत्थे बह के उह कहिंदे आ अज ते विचार घट गई आ एवें कदी कदी सरोपे देंदे आ मैं हैरान सां भी कदी कदी सरोपा किसे नूं दिता जांदा सी एवें ते महापुरख उहनां ते वी नाराज़ हुंदे सी ते उह कहिंदे सी सरोपा देण दा थां वा श्री अकाल तख्त साहिब जिथे 5 सिंघ बह के विचार करनगे भी जिहनूं सरोपा देणा इह कौम वास्ते की करके आया देश वास्ते की करके आया जिन्हें देश वास्ते धर्म वास्ते कुछ किया वा उदों फिर विचार करके तो उन्हें सरोपा दिता जाता सी सरोपे का मतलब सी सिर की पग ते आ एक कुर्ता इदां दा कलियां वाला हुंदा सी जिहड़ा मोढ़ियां तो लैके ते पैरां तक ढक दिंदे सी सिर पाओ सिर तो लैके पैरां तक ढक देना उहनूं कहिंदे आ सरोपा नहीं देना किसी नूं वी और ये अज तक रिकॉर्ड आ नशहरे विच इन्ने दीवान इन्ने समागम हुंदे आ वड्डा आवे निक्का आवे लीडर आवे मंत्री कोई भी आवे किसी नूं सरोपा नहीं दिता जांदा क्योंकि उह कहिंदे आ करो देश वास्ते कुछ जिहड़ा करेगा कौम वास्ते देश वास्ते अकाल तख्त साहिब सदके आपे सिंह साहिब नूं सरोपा देण सरोपा दिता भाई साहिब भाई पिंदरपाल सिंह जी नूं जिन्हां नूं पदवी दित्ती भाई साहिब दी क्यों पदवी दित्ती उन्होंने गुरु नानक दे पंथ का प्रचार करके अनेक लोगों नूं गुरु चरणों के नाल जोड़िया किसी नूं पंथ रतन की पदवी दित्ती इन्हां नूं मस्कीन साहब जी नूं गुरमत विद्या मारधंड की पदवी दित्ती क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी प्रचार दे विच लाई फिर सरोपा दिता तां कि मिलता सी सरोपा एवें थोड़े मिल जाते उदन फिर महाराज गुरु अमरदास जी कहिंदे बल्लू इस बच्चे नूं 2.25 मीटर का परना ला के दिओ अजे सरोपा नहीं क्योंकि अजे तो शुरू होया है सरोपा देण दा टाइम आऊगा तो फिर दवांगे फिर 2.25 मीटर का परना ला के आख्या लै पुत ये मड़ासा कर ला ते ओ टोकरी ते गुरु घर दे विच सेवा शुरू हो जा रात दिन फिर सेवा इन्नी कीती बिल्कुल हसण खेडण दा चा ते पहलो नहीं सी कोई भी गुरमतीए सी भाई गुरदास जी कहिंदे ने गुरमत जाग जगाएदा वह आप गुरमतीए सी ते लोकां नूं गुरमत दे के जगाउंदा सी जदों फिर सेवा विच लगे सेवा करद्या करद्या ज्यों ज्यों पौड़ी पौड़ी करके तां चढ़े ते उत्ते महाराज ने अपनियां बख्शिशां दा दरवाजा खोलिया जिहड़ा तुरदा है गुरु साहिब ते उस वेले नाल दे नाल निहाल करी जांदे आ जिहनूं लोकी कहिंदे सी नानी तुरते पई आ जे रोटी खवाल भी दऊगी ते इहनूं रिश्ता किन्ने करना लोकी रिश्ता कर लगे आ खानदान पुछदे आ पैली कारोबार कई कुछ पुछदे आ भी जिथे कुड़ी साडी ने जाणा उह खाऊगी की ये लै के गई आ इहनूं किसे ने पुछणा नहीं महाराज विधा बनाउण वाले गरीब नवाज चबारे ते बैठे ने संगत टोकरी ढो रही सी कार सेवा हो रही माता मनशा देवी जी गुरु की इच्छा अनुसार चबारे ते गए क्योंकि गुरु बुलावे ते को बोलदा जे ना बुलावे ते किसे दी जरूरत नहीं गुरु दे अगे को गल कर सके भावें उहदे अपने घरों ही क्यों ना हो। महाराज ने आख्या भी हुण समा आ गया ते बुलाया माता मनसा देवी कहिंदे आ साहिब जी दानी ते व्याही गई हुण भानी भी वरदे जोग आ ते भानी वास्ते कोई रिश्ता वेखो महाराज ने नीवी पाई हुई आ सारी सृष्टि ते ध्यान रखण वाला सतगुरु
नीवी पा के बैठा होया ते पता वा भी लागो दी कौन कौन लंघ रहे है। चुप करे थोड़े जे पल जो जेठा चबारे दे खिड़की दे लागो दी लंघना सी टोकरी लैके मारे कहने मनशा मुंडा के दादा होना चाहिदा ते बार नूं झाती पई बार ओ एक अत सुंदरता वाला बच्चा लंघ रहा सी जिहदी सुंदरता गुरु ग्रंथ साहिब जी विच उन्होंने अपनी कलमना लिखी है। वह कहिंदे ने हर अमृत भिन्ने लोए ना मन प्रेम रतन्ना राम राजे। वह कहिंदे आ मेरियां अखां दे विच अमृत क्यों अमृत क्योंकि मेरा मन परमात्मा दे नाम दे विच भिज्जिया होया सी। जिहदियां अखां विच अमृत आ उहदे मत्थे ते क्यों ने अमृत दा नूर होऊगा। वह नूर ने खिच पाई ते उहदे वल वेख के सुंदरता वेख के मनसा देवी जी कहिंदे आ इहो जिहा मुंडा होवे। ते लागे भाई बल्लू जी महाराज कहिंदे बल्लू ये मुंडा टोकरी सुट के आउंदा तेनूं चबारे ते लियाओ। महाराज सच्चे पातशाह जा हुकम मनसा देवी जी कहण लग पे भी इहनू ना कित रिश्ता कर दिओ इहदा ते मैनूं पता वा भी इह अपने पिंड दा ही आ दोहता उत्थों दा ना इहदी मां ना प्यो। चुप करे महाराज भाई गुरदास जी कहिंदे ने दिच्चा पूर्व देवना जिस दी वथ तिसै घर आवै उह बदोबदी आ जांदी आ जिहदी वस्तु होवे। भाई बल्लू नूं महाराज ने कुछ आख्या वह थल्यो लैके आए उदों तनू वह बच्चा भी नाल ही बाँह फड़ लिया। भाई जेठा महाराज सच्चे पातशाह जी ने भाई बल्लू जी लियाए सी एक गुड़ की रोड़ी ते एक रुपया ला भी पुत झोली कर उहदी झोली विच पाया। मनसा देवी ने बथेरा आख्या भानी रोटी कितों खाऊगी भानी रहूगी कितने इन्हों का तो कुछ भी नहीं गा। उ अखर फिर गुरु अमरदास जी ने धराए मनसा देवी बिलकुल फिक्र ना कर तैनू भानी की रोटी पानी का फिक्र नहीं होना चाहिए भानी के चौंके विचों रोकी आन आन के रोटियां खाया करनगे। हुण एक माण वाली गल है ना कि उस बीबी भानी ने पहले दिन आन के जो प्रशादा पकाया जिथे अज लंगर पक रहा जिदन गुरु बन के अमृतसर आए सी पहले दिन बीबी भानी ने इत्थे चुल्हा बना के ना मिट्टी का अपने पति गुरदेव वास्ते प्रशादा तैयार किया। उत्थे मुड़ के सिखां ने लंगर घर बना दिता जिथे महाराज के घर सी सरावां सी वह जिस जिस पातशाही ने जिथे जिथे निवास किया उस नां ते उत्थे उत्थे मुड़ के सराव बन गई। तो उस बीबी भानी के चौंके अज के दिन विच सवा लख बंदे का प्रशादा पक रहा और जिथे जिथे लोड़ होवे गड्डियां भर भर के सारे थां उत्थे जांदा भी आ लोकी आउंदे जांदे छकदे आ। और जे घर की गल कीती सी ते मारे कहिंदे सी भानी दे घर दा वलगणा बहुत वड्डा होएगा उत्थे परकरमा विच वी सौं के लोकी माण महसूस करदे आ भी असीं गुरु रामदास जी दी गोद विच पए होए आ। एक किताब मैं पढ़ रहा सी एक पढ़ा लिखिया बंदा किदां सिख लोगों की किड्डी किड्डी उच्ची भावनावां कदी असीं समझ भी नहीं सकते भी किड्डी किड्डी उच्ची अवस्था वाले लोग सतगुर के घर आउंदे। एक पढ़िया लिखिया बंदा जी दे मन विच आया मैं जदों अमृतसर जाना दरबार साहब उत्थे बड़िया ही गलतियां लोकी करदे आ ते मैं थोड़ियां जिहियां मैनूं छुट्टियां पईआं ने ते मैं कल्ले कल्ले बंदे की गलती नोट करके ना ते मैं इन्हां दीआं गलतियां ठीक करनियां ने। जिद्दां दा बंदा संगत विच जो जांदा उहनूं उह कुछ ही प्राप्त हो जांदा। उन्हें अपने हाथ में लिया एक स्लिप पैड ते एक पेन ते वह गया सब तो पहले उन्हें वेख्या घंटा घर डेहड़ी वाले पास चौंक वाले पास जो अंदर टप्पया तो एक बंदा थम के नाल लग के तो उची उची वाहेगुरु 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 कर रहा तो कीर्तन की आवाज भी आ रही है। तो वह कहिंदा वेखो गलती तो गलती लोग करते लोगों को पता ही नहीं भी नाम किदां जपना। वह वाहेगुरु वाहेगुरु करता सी ते उहदी बाँह हिला के ना वह पढ़िया लिखिया वह कहिंदा वीर तू नाम ही जपना वा तो चुप करके जप लोग भी फिर रहे आ लोग कीर्तन सुनते कोई नाम जप तू इन्नी उची उची वाहेगुरू कह रहा दूजिया नूं डिस्टर्ब कर रहा तू। जो इन्नी गल आखी तो उन्हें बाँह फड़ के उन्हें फिर किताब में लिखा भी जो मेरे नाल होया और जपण वाले ने बाँह फड़ के बिठा के आख्या भी वीर मेरे जिहदे घर नूं चोर पै गए हुण दिने दुपहरे ते घर वाला कमजोर वा ते चोर बलवान ने धक्के नाल ही लुट्टी जांदे आ उह चोरां दा मुकाबला करन जोगा नहीं गा लड़न जोगा नहीं गा ते उह कोठे ते चढ़ के रौला ते पा सकदा ना भी लोको मैनूं बचाओ आपे कोई ना कोई बचाउण वाला आऊगा। उह कहिंदा भी तूं कहना की चाहुंदा पता मैं कहना यह चाहुंदा वा भी पंज चोर एडे बलवान ने मैं संगत विच आया वा ते इत्थे भी मेरे नाल ही आ गए ने
वो इत्थे भी मैनू टेकण नहीं दिंदे तो मैं हुण उच्ची उच्ची आवाजा मारदा गुरू रामदास नूं भी सच्चे पातशाह तू बचावे तो बचदा ही नहीं तो बंदा नहीं हो कोई भी बच सकता तो तू मैनू उसे वेले हिला दिता। उधर मेरी गुरु रामदास जी नाल गल हो रही सी उहनूं छड्ड के चुप करके चल गया भी बंदा इत्थे तक पहुँचिया सी। मैं तो आख्या भी एवें रौला पाउंदा सी। अगले पासे गए जिथे वह बुंगे ने दो उस नुक्कर ते एक बंदा सुता होया अखां बंद कीतियां ते पूरा निसल हो के लत्तां पैर खोल के सुता। तो कहिंदा वेखो एड्डी दूरों किराया खर्च के लोग आउंदे आ ते इत्थे सौण आउंदे आ भला इत्थे दर्शन करो सेवा करो। उहनूं जा के उहदी जोर नाल बांह हिला के ते कहिंदा उठ ओए किदां तूं सुता होया इत्थे इत्थे सौण आया दर्शन कर संगत दा गुरु का दर्शन कर। वह उठ के कहिंदा तू कित्थों आ गया ओए एड्डा पढ़िया लिखिया। वह कहिंदा क्यों कहिंदा दुनिया दीआं परेशानियां दा झंबिया ते सताया मैं उत्थों निकलिया ते मैं जदों परिक्रमा विच आया ते मैनूं इंज लगा जिद्दां मेरे बाप गुरु रामदास ने मैनूं गोद विच चुक लिया ते मेरा जी कीता भी इन्नियां परेशानियां चों निकल के आया वां ते दो घड़ियां अपने बाप की गोद विच सौं के आनंदी लिए हाँ। तो कहिंदा मैं पिया सी ते मैनूं इंज लग रहा सी जिद्दां मेरा बाप मैनूं बच्चे वांग लोरियां दिंदा ते तू पढ़े लिखे बंदे ने आण के मेरे बाप की गोद विचों कढ़ के मैनूं दुनिया विच फिर बिठा दिता तू कित्थों आ गया ओए। वह कहिंदा फिर मेरी कलम ते मेरी कापी उत्थे ही छुट गई भई मेरा वेखण दा ही नज़रिया माड़ा वा इत्थे ते एक दू एक चिड़ंदियां कौन जाने मेरा नाउ जीए पता ही नहीं भी किहदी किहदी अवस्था किड्डी उच्ची आ। किसे मंगते बंदे दे जेबां फुलण लग पिया कोई कदी इधर की पाया जेब जे तेरे कोल की आ तुहाडे कोल कख भी नहीं कख भी नहीं। वह मारदिया मारदिया उहदे अंदरली जेब विच हथ मार बैठा तो उहने अंदरली जेब दे विच हीरा पाया सी ते उह हीरा सी लखां रुपईआं दी कीमत दा ते पा के भी सादगी वांग रहिंदा ते जिहड़ा जेबां फुलदा सी ना वह अपना आप एडा तगड़ा मालक नहीं सी जिहड़ा साध दी जेब खोल बैठा ते लागे फिर बुल्ले शाह दी लंघ रहे सी। उन्हें सारी कविता लिखद्या लिखद्या यह भी लिखिया साई लोगों ना फोल एवें गोदड़ी नू मता गोदड़ी दे विच लाल होवे एवें लोगों नू परखी ना जा किहड़ा बंदा नाम जपदा कि नहीं जपदा बाणी पढ़दा कि नहीं जपदा। की पता तैनू कोई इदां दा किसे दिन टक्कर गया भी जिहड़ा इक्को दिन ही इन्नी बाणी पढ़ लैंदा भी तू सारी जिंदगी नहीं उन्नी पढ़नी। एडे एडे गुरु के प्यारे लाल बैठे हुए आ गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी झोली विच रोड़ी ते रुपया पाता आनंद कारज हो गया मारे कहिंदे फिकर ना कर इहदे कोल ही सब कुछ आऊगी सारी दुनिया मंगण वास्ते। तीन बच्चे भी होए फिर थड़े बन लगे ने परख होण लगी उन्हां परखियां दे विच पुत्तरां नूं नहीं पाया गया। मारे कहिंदे ने पुत उस लैण विच है ही नहीं क्योंकि सेवा करदे ही नहीं। इन्हां दे मन विच आ भी कोई नहीं साडे बापू तों बाद गुरियाई गद्दी सानूं मिलनी आ। फिर साध संगत भाई रामा ते भाई जेठे दे थड़िया की वारी आई वारो वारी सवेरे गुरु अमरदास जी कहिंदे सी थड़े बनाओ शाम नूं आके कहिंदे सी ढा दिओ थड़े पसंद नहीं आए। रामा नक मुल वटदा सी ते भाई जेठा जी उस वेले ढा दिंदे सी। अगले सवेरे फिर निशानी लगी शामा नूं गुरु अमरदास जी आउंदे सी रामिया थड़ा चंगा नहीं बनिया। रामा कहिंदा सी जिदां कह के गए उदां ही बनाए आ तुहाडी उम्र ज़्यादा हो गई है लोकी तो सत्तरियां बत्तरियां ते यकीन नहीं करदे तुसीं तां नब्बियां तों भी टप गए हो तां ते तुहाडे पता ही नहीं लगता। मारे कहिंदे ढा दे औखिया सौखिया ढाते जेठिया तू भी ढा दे सरा तेरा भी नहीं पसंद आख्या ठीक है। रात नूं दोवें सांझू जदों प्रशादा छकन लगे ना बह के क्योंकि लेट वेले होए भाई जेठा ते भाई रामा दोवें सांझू बैठे हुए सी ते रामे ने आख्या ओए जेठिया क्योंकि भाई जेठा जी निक्के सी निक्के थां सी ओए जेठिया जदों महाराज आउंदे आ शामां नूं साडा धूं निकल गया दो दिन कई वाह वाह के ते आण के कहिंदे थड़े नहीं चंगे ते जदों थड़ा ढाउण वास्ते कहिंदे तूं उसे वेले घटा देना कोई ना कोई गल क्यों नहीं करदा जदां मैं गल करना थोड़ा बहुता तूं अपने पैरां ते रिहा कर। भाई जेठा जी कहिंदे आ भाई जी मैं इस करके नहीं बोलदा भी मैं घरों आया वां सेवा करन ते महाराज ने ते जे दो दिन ही आख्या ना जिन्नी मेरी उम्र वा सारी उम्र मेरे को सवेरे थड़ा बनाउण शामा नूं कहण ढवा दे तो मैं ढा देंगा क्योंकि मैं दे घरों सेवा करना आ मेरे को भावें थड़े बना लैण ते भावें टोकरी ढवा लैण मेरा कम नहीं हैगा बोलण दा। महाराज सच्चे पातशाह जी इह बाणी विच वी आख्या जो गुर कहै सोई भल मानो हर हर कथा निराली।
ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠੋਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਥੜੇ ਤੇ ਰਾਮੇ ਨੇ ਕਈ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣਵਾ ਲਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਥੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਢਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਦੋਂ ਬਣਾਏਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਓਨੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਜੇਠੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਫੇਰੇ ਮਾਰਨੇ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਡੀਕਦਿਆਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤਰਸਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਫੇਰਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੋਹ ਮਨ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜਨਾਵੇਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹਮਰੇ ਹਿੱਤ ਜਿਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਧਰੀ ਦੁਲੱਭ ਪਦਾਰਥ ਹੋਏ ਨਾ ਕੋਏ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਪਾਵੇ ਹੈ ਸੋਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣਾ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਗਰੀਬਨ ਵਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਨੀ ਜੇ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲੇਂਗੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਪਰ ਸਿਰ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਭਾਗਣ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਸਪਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਨੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪੋਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਜੇਠੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰੋ ਉਹ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਰਮ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਮ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਜੋ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਵਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਓ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 19 ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ 6 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 19 ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰਹੇਗਾ ਭਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾਏ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਪ ਸੀ ਭਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਰਜਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਆ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਹਕਾਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਰਾ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਭਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਥ ਦਾ ਗਰੀਬਨ ਵਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਦੂਕ ਤੋਂ ਉਹ ਜਰੀ ਦੀ ਪੱਗ ਲਿਆਏ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਜਰੀ ਦੀ ਪੱਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਥੜੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਪੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਗ ਪਹਿਲੋਂ ਬੱਧੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਰੀਬ ਬਨਵਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਹੋ ਗੁਰ ਬਿਵੇਕ ਸਤਿ ਸਰ
भाई बलविंदर सिंह जी शब्द पढ़ते होंगे सी मैं बड़ा आनंद आता जो वो शब्द सरवण कराते जो मैं ये पंक्ति छेड़ना मैं इन्हों का चेता आ जाता जब वो फिर सतगुर सच्चे पातशाह जी तीन परिक्रमा कीतियां ते बुजुर्ग अवस्था सी 94 साल की उम्र ते भाई जेठे अपने जवाई नहीं फिर उस वेले ना रिश्तेदारी वाली तो उत्थे गल ही कोई नहीं सी उहदे अगे गोडिया पार होए गोडिया पार होके ते अपना पवित्र शीस भाई जेठे दे चरण फड़ के ते उहना पैरां ते सिर रख के मत्था टेक दिता जदों मत्था टेकिया सब दुनिया ने वेख्या गुरु अमरदास जी ने मत्था टेक दिता भाई जेठे मत्था टेक के ते आख्या बोलियो ना अजे चुप कर रहो तुसी नहीं अजे बोलना वो चुप कर रहे ते उठ के गरीब नवाज जी कहिंदे ने ए गुरु नानक जे इहनू एवें ना जाणियो ते उठ के मत्था टेको गुरु गोबिंद सिंह जी इंजी कहिंदे मारे कहिंदे ने जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई बिन जाने सिद्ध हाथ ना आई जिन्हां ने गुरु ना रामदास जी नू गुरु नानक दा रूप जाणिया उन्हां दी जिंदगी सफल होगी जिन्हां ने नहीं जाणिया वह सारी जिंदगी गुरु घरां विच आउंदे रहे पर उन्हां दे पल्ले कख नहीं पिया। महाराज सच्चे पातशाह जी ने आख्या आओ फिर ते फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे आ सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया उस शरीर नू मत्थे टिके जिस शरीर दे विच गुरु अमरदास जी ने अपना आपा चौंकड़ी मार के टका दिता क्योंकि हर भाणा गुर भाया गुर जावै हर प्रभ पास जियो गुरु साहब जी ते उत्थे चले आ ते उधर रामदास सोटी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सोटियां दे पुत नू तिलक दे के जो गुरु अमरदास जी ने अपनी तैयारी की ते फिर संसार दे लोकां ने गाया भई बैठा सोटी पातशाह बैठा सोटी पातशाह बैठा रामदास सतगुरु कहावै बैठा सोटी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै बैठा सोटी पातशाह ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਤਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਲ ਚੱਲੇ ਸਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਧ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾ ਵਿਧ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀੜੇ ਹਮ ਥਾਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਕਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ ਆਹ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਬਾਪ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਦਰ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਲਮ ਫੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਮ ਫੜ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਉਹਨੇ 18 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸਕੂਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਹ ਤਾਂ
ਭਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਿਆ ਧਾਰਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਨਿਰਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੁਣ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਤੂੰ ਸੋਮਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਵੇਗਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਥ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟਾਵੇ, ਆ ਨੈਣ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾ ਜਪੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੰਗਤ ਦੀ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।